बिल्कुल मैं कही देखो, आजकल मार्केट में कुछ काफी ज्यादा सस्ते सस्ते स्मार्टफोन्स आ रहे हैं। उन्हीं सस्ते स्मार्टफोनों में से कुछ स्मार्टफोन इतने ज्यादा बेकार हैं कि भैया उन्हें लोग खरीद लेते हैं, इसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं कि मतलब उनका क्या हाल होता होगा। मतलब गाइस उनका पूरा पोपट बन जाता है। इसीलिए गाइस आपका पोपट ना बने तो हम इस वीडियो में ऐसे ही स्मार्टफोनों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको आपको नहीं खरीदना है। तो इसीलिए बिना कोई हम फर्दर टाइम वेस्ट करे फटाफट शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गाइस देखो, अगर हम शुरू करें सबसे पहले Redmi Note 12, Redmi Note 13, Poco M6 Pro वगैरह वगैरह, यानी कि गाइस ये जो Xiaomi के स्मार्टफोन्स हैं इनमें गाइस आपको लुक एकदम झकास मिल जाएगा। स्पेक्स में भी गाइस ये ठीक ठाक ही होते हैं, लेकिन गाइस Xiaomi जो इनमें सॉफ्टवेयर यूज करता है लाइक MIUI या HyperOS वगैरह वगैरह, वो गाइस इन स्मार्टफोन्स को एकदम पीट के रख देता है। जी हां गाइस, क्योंकि उसमें आपको इतना ज्यादा ब्लॉटवेयर देखने को मिलता है, हॉट एप्स, हॉट गेम्स, गेट एप्स, पता नहीं क्या क्या, ऊपर से गाइस नोटिफिकेशंस वगैरह आती रहती हैं, रिकमेंडेशंस आती रहती हैं, ये ऐप इंस्टॉल कर लो, ये कर लो, अलग अलग एड्स आते हैं अलग अलग जगहों पर। अच्छा, इसीलिए गाइस मतलब फिर आप समझ लीजिए कि इतने ब्लॉटवेयर के चक्कर में ही गाइस आपका एक्सपीरियंस एकदम ही बेकार रहने वाला है। और ऊपर से गाइस क्योंकि इतना ब्लॉटवेयर कंटिन्यूअसली रन हो रहा है, इसीलिए आप समझ लीजिए कि मतलब आपको जो परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए वो भी एक्चुअली में आपको कम ही मिलेगी। इसीलिए गाइस फिर इन स्मार्टफोन्स का कोई भी मीनिंग नहीं बनता कि आप इन स्मार्टफोन्स को खरीदें। और गाइस ये जो प्रॉब्लम है वो Xiaomi के महंगे या जो मिड रेंज वाले फोन्स हैं उन सबके साथ है, क्योंकि गाइस उनमें भी Xiaomi अपना MIUI या HyperOS वगैरह तो चिपका ही देता है, और गाइस उनमें भर भर के ब्लॉटवेयर होता है, इसीलिए गाइस वहां पर भी आपका एक्सपीरियंस एकदम ही खराब होने वाला है। गजब बेइज्जती है। इसीलिए तो गाइस यही तो एक रीजन है कि Xiaomi के जो महंगे स्मार्टफोन्स हैं वो गाइस नहीं बिकते हैं इंडिया में, क्योंकि गाइस आपने भी ऐसा कहीं नहीं देखा होगा कि कोई Xiaomi का बहुत महंगा स्मार्टफोन यूज कर रहा हो। बात तो सही है। और भैया अगर आपको कोई ऑफर वगैरह में भी मिल रहा हो तब भी गाइस आप सीधे हाथ जोड़ के वहां से निकल लो, समझ रहे हो। अब गाइस देखो, अगर हम बात करें अगले स्मार्टफोन की जो कि गाइस है Vivo T2X। जी हां गाइस, आप सभी लोग तो इसके बारे में जानते ही होंगे, सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन और एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा खाने वाला भी स्मार्टफोन। जी हां गाइस, क्योंकि अगर हम बात करें तो भैया इसके Amazon या Flipkart के रिव्यूज में गाइस इतनी ज्यादा पड़ी है, भले गाइस इसकी रेटिंग सही हो लेकिन गाइस वन स्टार वाले रिव्यूज काफी ज्यादा हैं। लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें ब्लॉटवेयर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि फोन फ्रीज हो जाता है, हैंग हो जाता है, लैगी है वगैरह वगैरह। इसी के साथ में कुछ लोग कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो साउंड का वॉल्यूम है वो काफी कम है। इसी के साथ में कुछ लोग कह रहे हैं कि कैमरा नहीं प्रॉपरली वर्क कर रहा है, और इवन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 5G कनेक्टिविटी नहीं सही है, और इवन गाइस कुछ लोग ओवर हीटिंग वाले भी इश्यूज दे रहे हैं। जी हां गाइस, इसीलिए मतलब फिर आप समझ लीजिए कि इतने ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन में भी गाइस काफी ज्यादा इश्यूज है, और फिर ऐसा लगता है कि मतलब इन रिव्यूज को देख के कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहने वाला है, इसीलिए भैया फिर आपको ये वाला स्मार्टफोन भी नहीं खरीदना चाहिए। मूविंग ऑन गाइस अगले स्मार्टफोन पर जिसका नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, जो कि गाइस है जियो फोन नेक्स्ट। और भैया देखो, ये जो स्मार्टफोन है काफी सस्ता मिल जाता है 4,000 से 5,000 की रेंज में, प्लस इसमें सब कुछ सही है, कोई ब्लॉटवेयर नहीं मिलता, और साथ ही में गाइस एकदम क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है इसमें। गाइस कोई भी फालतू के एप्स नहीं है, लेकिन बस इसमें एक खराबी है, वो गाइस ये है कि इसमें जो प्रोसेसर है ना वो काफी थका वाला है। जी हां गाइस, Qualcomm 215, और ये इतना थके प्रोसेसर की वजह से गाइस ये फोन इतना ज्यादा स्लो है कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो एनिमेशंस हैं वो गाइस प्रॉपरली रेंडर नहीं होते, मतलब गाइस काफी लैगी लगता है, काफी हैंग होता हुआ लगता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्मार्टफोन है वो गाइस अटकता फील होता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। इसीलिए गाइस फिर मतलब आप समझ लीजिए कि भले आपने खाली 4,000 या 5,000 ही रुपए खर्च किए हो, लेकिन फिर भी गाइस जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो गाइस एकदम ही बेकार रहने वाला है, इसीलिए गाइस फिर आपको ये वाला भी स्मार्टफोन नहीं खरीदना चाहिए। अब गाइस देखो, एक काफी ज्यादा जाना माना स्मार्टफोन OnePlus Nord C3 Lite। जी हां गाइस, आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना ही होगा, और गाइस ये स्मार्टफोन में ब्लॉटवेयर काफी कम है क्योंकि गाइस ऑक्सीजन OS के साथ आता है, लेकिन गाइस इसमें दो तीन खराबी हैं। नंबर वन ये है कि इसमें जो प्रोसेसर है वो है Snapdragon 695, अगेन गाइस एक थका हुआ प्रोसेसर जो कि पता नहीं किस जमाने का है। और गाइस देखो, जो दूसरी खराबी है वो गाइस ये है कि इसमें आपको जो डिस्प्ले है वो केवल IPS LCD मिलती है, कोई OLED या AMOLED नहीं मिलती है। वैसे गाइस OLED या AMOLED डिस्प्ले बजट स्मार्टफोन्स में मिलना काफी मुश्किल होती है, लेकिन स्टिल गाइस Samsung के कुछ स्मार्टफोनों में मिल जाती है, इसीलिए भैया फिर इसमें नहीं मिलती तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा खराब होता है। और गाइस देखो, जो तीसरी बात है वो है मेन, और वो गाइस बात ये है कि ये स्मार्टफोन काफी इजिली बेंड हो जाता है,
सेटअप है जी गाइस। इवन आप इसमें काफी आराम से गाइस हाथों से इसे बेंड कर सकते हैं बस थोड़ा सा ही प्रेशर लगाने से। इसीलिए गाइस फिर मतलब आप समझ लीजिए कि कहीं अगर ये ज्यादा ही बेंड हो गया तो भैया ये स्मार्टफोन ऊपर भी जा सकता है, एकदम रास्ता क्लियर है। वो क्या था, स्प्राइट पियो रास्ता क्लियर है। तो गाइस मतलब फिर ये वाला स्मार्टफोन तो आपको नहीं ही लेना है। अब गाइस देखो कुछ फेक स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं जिनके भैया आपको स्मार्टफोन आंख बंद करके भी नहीं लेने हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आईकॉल वगैरह। और गाइस आईकॉल इस टाइप के आईफोन जैसे दिखने वाले स्मार्टफोन्स को बनाता है और गाइस ये काफी सस्ते होते हैं 10,000 के अराउंड और इसीलिए गाइस लोग इन पर अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन गाइस अगर हम आपको बताएं तो गाइस काफी बेकार कस्टमर सर्विस है जी हां गाइस, एकदम ही बकवास। साथ ही में गाइस देखो बस आपको हमें कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, आप सिंपली गाइस अमेजोन के रिव्यूज चेक कर लीजिएगा कोई भी आईकॉल के स्मार्टफोन पर, उसी से गाइस आपको पता चल जाएगा कि ये ब्रांड कैसा है जी हाँ गाइस। साथ ही में गाइस देखो काफी अलग अलग लोग भी कह चुके हैं कि आपको आईकॉल ब्रांड के स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए, आईकॉल ब्रांड एकदम ही स्कैम है, फ्रॉडिया है। और स्टिल गाइस कुछ लोग आईकॉल के स्मार्टफोन्स ले रहे हैं, इसीलिए गाइस आप इस वीडियो को शेयर कर करके फैलाओ और लोगों तक, जिससे कि गाइस वो लोग इस आईकॉल वाले स्मार्टफोनों के चक्कर में ना फंसे, समझ रहे हो। तो गाइस देखो ये तो कुछ स्मार्टफोन्स हैं जिनका हम नाम चारों ओर सुनते ही रहते हैं, लेकिन आपको इन स्मार्टफोनों से बच के रहना है। इसके अलावा भी गाइस कई और स्मार्टफोन्स हो सकते हैं और गाइस वो सभी स्मार्टफोन जिनमें रैम 4GB हो, क्योंकि गाइस 4GB रैम आज की डेट में पर्याप्त नहीं है, उसमें गाइस मल्टीटास्किंग करना काफी मुश्किल हो जाता है जी हां गाइस। क्योंकि अगर हम बात करें तो भैया 4GB रैम है और गाइस वो काफी कम है, इसीलिए गाइस आप बैकग्राउंड में मैक्सिमम 2-3 ऐप्स ही डाल पाएंगे, इससे अगर आप ज्यादा डालेंगे तो भैया ऐप रीसेट होने की प्रॉब्लम हो जाएगी। बात तो सही है। इसीलिए गाइस फिर वहां पे आपका एक्सपीरियंस बेकार होगा, इसीलिए गाइस आपको कम से कम 6 या गाइस हो सके तो रिकमेंडेड है कि आपको 8GB रैम वाले स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए। इसी के साथ में गाइस कुछ लोग 4G 5G के भी चक्कर में फंस जाते हैं, मतलब गाइस हमें 4G स्मार्टफोन लेना चाहिए कि 5G। तो गाइस देखो एकदम सिंपल बात है जो कि गाइस हमने आपको इस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर रखी है। वैसे गाइस हम आपको अगर छोटे में समझाने की कोशिश करें तो गाइस ये है कि अगर आपको 5G की जरूरत ना हो या गाइस अगर आप 5G को यूज ना करना चाहते हो तो आज भी आपके लिए 4G स्मार्टफोन ही बेस्ट है जी हां गाइस। रीजन काफी सिंपल है जो कि आपको वीडियो में मिल जाएंगे। वैसे गाइस एक बहुत ही सिंपल रीजन ये है कि क्योंकि देखो अभी 5G स्मार्टफोन काफी तेजी से आ रहे हैं, इसीलिए गाइस भैया जो एग्जिस्टिंग 4G स्मार्टफोनों का स्टॉक पड़ा है वो तो भैया उन्हें बेचना ही है, इसीलिए गाइस फिर वो उन पे आपको डील्स वगैरह भी देंगे जिससे कि गाइस वो फटाफट बिक पाए। इसीलिए गाइस फिर आप अच्छे 4G स्मार्टफोन काफी कम कीमत पे भी ले सकते हैं, इसीलिए गाइस फिर मतलब आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा। इसीलिए गाइस फिर आपको एक 4G स्मार्टफोन ही लेना चाहिए अगर गाइस आपको 5G की जरूरत नहीं है। इसी के साथ में गाइस एक छोटी सी बात ये भी है कि आपको आज की डेट में IPS LCD डिस्प्ले वाले जो स्मार्टफोन्स हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गाइस देखो उनमें आपको नेचुरल कलर्स नहीं मिलते, जबकि गाइस OLED AMOLED या POLED वाले स्मार्टफोनों में आपको नेचुरल कलर्स मिलते हैं। इसीलिए गाइस हो सके मतलब कोशिश कीजिए कि आप OLED AMOLED या POLED वाले स्मार्टफोन ही खरीदिए। इसके अलावा गाइस देखो चाहे स्मार्टफोन की डिस्प्ले हो OLED AMOLED या POLED वाली या गाइस वो हो चाहे IPS LCD वाली, सबसे गाइस अलग अलग कलर्स की लाइट तो निकलती है, रेड ग्रीन ब्लू, और भैया जब रेड और ग्रीन कलर की लाइट एक साथ निकलती है तो वो बन जाती है येलो कलर की लाइट। इसीलिए गाइस आप थोड़ा नीचे नजर मार के देख सकते हैं, गाइस आपको एक येलो सर्किल मिलेगा जिसमें गाइस काले से CFY लिखा होगा और उसी के सामने गाइस एक सब्सक्राइब बटन होगा जिसपे गाइस आपको सिंपली प्रेस कर लेना है और गाइस उसके आगे एक बेल आइकन होगा जिसपे आपको दबा के ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि गाइस आपको फिर ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस डेली मिलते रहेंगे। इसी के साथ में अगर आपको ये वीडियो में दी गई जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक बटन आपको नीचे ही मिल जाएगा। साथ में गाइस उसी के सामने शेयर बटन भी है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही में कोई क्वेश्चन कोई सुझाव वगैरह देना हो वो आप सब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।